तो ऑस्ट्रेलिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने तहलका मचाया, वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। तो वर्ल्ड कप 2023 में ग्लेन मैक्सवेल ने तहलका मचा दिया है और वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया। तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 399 रन जड़ दिए हैं और बात करें अगर ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक मात्र 44 गेंदों में जड़ दिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 44 गेंदों में 106 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 8 लंबे लंबे छक्के लगाए। और इसी मैदान पर इससे पहले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एडम मार्करम ने 54 गेंदों में वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह रिकॉर्ड टूट गया है और अब यह रिकॉर्ड जो है वो ग्लेन मैक्सवेल के नाम हो गया है। ग्लेन मैक्सवेल ने मात्र 44 गेंदों में ही 106 रन की तूफानी पारी खेलकर वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया। तो बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 399 रन बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट मिचेल मार्स के रूप में जल्दी गिर गया था। मिचेल मार्स सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे दूसरे तीसरे ओवर में, लेकिन उसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। बात करें अगर वार्नर की, तो वार्नर ने इस वर्ल्ड कप में अपना दूसरा शतक जड़ दिया है। तो वार्नर ने आज 104 रन की पारी खेली, जिसमें वार्नर ने मात्र 93 गेंदें ली, 11 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के लगाए। और उसके बाद बात करें अगर स्टीव स्मिथ की, तो ज़बरदस्त और तूफानी पारी खेली आज स्टीव स्मिथ ने, मात्र 68 गेंदों में 71 रन की ज़बरदस्त पारी खेली, इसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल है। वहीं बात करें मार्नस लेबुशेन की, तो मार्नस लेबुशेन के बल्ले से आज एक ज़बरदस्त और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी निकली, पारी निकली, जिसमें मात्र 47 गेंदें ली। मार्नस लेबुशेन ने 62 रन की ज़बरदस्त पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 लंबे लंबे छक्के भी शामिल है। वही बात करें अगर जॉस इंग्लिस की, तो जॉस इंग्लिस आज कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का तूफान आया, जिन्होंने नेदरलैंड्स को हवा में उड़ाया और चढ़ दिए हैं 106 रन की ताबड़तोड़ पारी और वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडम मार्करम ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाया था, लेकिन यह रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है ग्लेन मैक्सवेल ने और वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले अब ग्लेन मैक्सवेल इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने आज 9 चौके और 8 लंबे लंबे छक्के लगाए, और जब ग्लेन मैक्सवेल खेलने आए थे तो वहां से ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 350 तक ही पहुंचेगा, लेकिन मैक्सवेल की ताबड़तोड़ पारी ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग 400 पहुंचा दिया। 399 रन बनाए और 400 रन का टारगेट नेदरलैंड्स को दिया। और बात करें नेदरलैंड्स की, तो 5 विकेट गिर चुके हैं नेदरलैंड्स के और बहुत बुरा हाल है नेदरलैंड्स का, और आज एक बड़े अंतराल से हारने वाली है नेदरलैंड्स। तो आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।